वेलकम टू द अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ पठानकोट के पंजाब में मिनी गोवा है, जो चमरोड नामक जगह है ये। तो हम यहाँ आए हैं, ये फैमिली प्लेस है पिकनिक के लिए, वीकेंड्स के लिए। और ये रंजीत सागर डैम पे बनी हुई है। अभी इस टाइम थोड़ी क्वाइट है, लोग नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लेट हो गए थे पीछे से आते हुए, तो और आज व्लॉग शूट करना था इस कारण लेट हो गए थे। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये रंजीत सागर डैम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा लाइटनिंग का प्रॉब्लम होगा क्योंकि शाम को व्लॉग शूट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया थोड़ा लेट हो गए थे। तो अभी तो इस टाइम तो आई थिंक 6:30 ही हो गए हैं, 6:30 तक बोटिंग होती है, लेकिन अभी लोग नहीं है इतने ज़्यादा। ये एंट्री है, वो साहब ने गाड़ी खड़ी है मेरी, और यहाँ आप देख सकती हैं ये कोल्ड ड्रिंक्स के, सॉफ्ट ड्रिंक्स के, मैगी के स्टॉल हैं। यहाँ काफ़ी स्नैक्स के, मैगी के स्टॉल्स हैं। और ये उधर से रास्ता है, तो आप लोग जो भी यहाँ आना चाहे, ये पठानकोट से तकरीबन 40 किलोमीटर के करीब है। जैसे कि शाम हो गई है, ये अपना सब काम जाम समेटने लगे हैं, ये फूड वैन्स हैं यहाँ पे, ये स्नैक्स के कॉर्नर हैं। तो ये ब्रिज से हम उस पार जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे मोबाइल टॉयलेट्स, वॉशरूम्स लगे हुए हैं इस पार्क में। गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है, जो लोकल लोग हैं यहाँ के पठानकोट तलवाड़ा एरिया जो पंजाब का, उनके लिए तो ये फेमस प्लेस है काफ़ी। ये काफ़ी बड़ा डैम है, इसके मैंने 2-3 एपिसोड्स बनाए हैं, आप लोग देखना। एक फंगोता विलेज वाला है जहाँ हमने नाइट कैंपिंग की है। एक पुरथू है जो G&K में पड़ता है। ये होटल है जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी जैसे कि मैंने पहले बोला, अंधेरा होने के कारण लोग चले गए हैं। मैं इधर से, तो यहाँ सेटिंग का अरेंजमेंट है, आप लोग कैंपिंग भी कर सकती हैं अगर कैंपिंग करनी हो किसी ने। ये इधर से डैम, काफ़ी बड़ी जगह है। और ये गाइस होटल बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये होटल, बच्चों के लिए प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी, अभी तो बंद हो गई हैं। ये जंपिंग एक्टिविटीज़ हैं। ये है जी वो होटल जो कंप्लीट हो रहा है, आपको मैंने बोला। और ये फूड वैन्स, वो ऊपर वॉच टावर है। तो कुछ लोग बैठे हैं जी, स्नैक्स खा रहे हैं, कुछ फैमिलीज हैं, कुछ गाड़ियां हैं। अभी भी 6:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। ये पार्किंग है गाड़ियों के लिए, अगर आपने गाड़ियां पार्क करनी है। ये इंटीरियर पार्किंग है, ये टिकट काउंटर जो एक्टिविटीज़ कोई करनी है। ये देखिए कितना बड़ा, और वो सामने आई डोंट नो कितना जस्टिफाई होगा इस फ़ोन में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने इन्होंने हट्स बना रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। कुछ फैमिलीज खड़ी हैं जी वहाँ, अभी भी लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी भी। लेकिन बोटिंग शाम को 6:30 गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से बंद है। गाइस आप सोच रहे होंगे रश नहीं है, क्योंकि मैं व्लॉग बिल्कुल शाम को तकरीबन 7 के करीब बना रहा हूँ, इसलिए आपको रश नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, आप कहीं भी कैंपिंग भी कर सकते हैं। वो बोट्स खड़ी हैं जी, और वो सामने आप हट्स देख रहे हैं, वो रेंट पे गए हैं, अभी कंप्लीट हो रही हैं। और बोट का रेंट है 400 पर पर्सन, अगर आपने पावर बोट बोटिंग करनी है तो उसका है 500 पर पर्सन। और वो सामने डलहौजी है, अभी अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ऊपर है इनकी जिप लाइन, मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी जिप लाइन में।
और भी एक्टिविटीज़ हैं जी कई यहाँ, और कैंपिंग के लिए आपको प्लेस भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। और सॉरी उधर मैंने बोल दिया, वो सामने डलहौजी है जी, वो डलहौजी की लाइट्स दिखा रही है, अगर मैं कोशिश करूँ ये डलहौजी की लाइट्स हैं। तो गाइज ये सामने होटल है, अगर आप लोगों ने रात को रुकना है, रूम टैरिफ है 3300 से 3500, अभी लाइटनिंग की कमी होगी। और ये सामने सबसे बड़ी पंजाब की जिप लाइन है, यहाँ से लेके ये जिप लाइन जा रही है जी, ये जिप लाइन है। और वो टावर पे जी, तो ये पंजाब की सबसे बड़ी जिप लाइन है, 300 पर पर्सन। और इसमें रेस्टोरेंट है, 24 आवर रूम की फैसिलिटी है, आप आ सकते हैं। यहाँ ATVs हैं, आप ऑफ रोड भी कर सकते हैं, उसका है 400 पर पर्सन आधे घंटे के लिए, सॉरी 25 मिनट्स के लिए। काफ़ी ATVs भी हैं, और वो ज़िपलाइन का जैसे मैंने आपको दिखाया कि पंजाब की सबसे बड़ी ज़िपलाइन, ATVs खड़े हैं जी। तो फैमिली के लिए डे आउट एक दिन स्पेंड करना बहुत ही अच्छी प्लेस। और ऊपर से बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको मैं रणजीत सागर डैम का व्यू, ये देखिए ये सारा। और इसकी दूसरी साइड ही पंजाब का फंगोता है, अगर आपने अकेले ज़्यादा रश नहीं है, यहाँ तो बहुत रश होता है लेकिन अभी नहीं है, ATVs कर रहे हैं लोग अभी भी, कुछ लोग कर रहे हैं अभी भी। और यह है इसका एंट्रेंस होटल का, नेचर कैंप, नेचर अवेयरनेस कैंप चमरोर। ऊपर रेस्टोरेंट और रूम्स हैं, जिनकी बुकिंग हो वो जा सकते हैं जी। तो गाइज इसी के साथ ये छोटे व्लॉग का हम एंड करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये कैंप चमरोड पठानकोट के पास पड़ता है, जो लोग जम्मू और श्रीनगर या पठानकोट आ रहे हैं या डलहौजी आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इजी है ये जगह, बहुत इजीली एक्सेस है, और बहुत ही अच्छा डे स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अभी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं खुद डलहौजी से आ रहा था, इसलिए मुझे तकरीबन रात हो गई, अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया। लेकिन एक्टिविटीज़ यहाँ फुल होती हैं, बहुत ही रश रहता है, वीकेंड्स में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, डबल ट्रिपल होता है। और आप बाकी मेरी सीरीज़ देखिए, जो मैंने मिनी गोवा पुर्थू दिखाया है G&K का, वहाँ पैराग्लाइडिंग, और मिनी गोवा फंगोता जहाँ हमने नाइट कैंपिंग की थी, वो बिल्कुल अकेला प्लेस है और वहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं जाते। सो जो बंदा काम चाहे, अकेलापन जहाँ ज़्यादा रश ना हो, वो शांति वाली जगह है। सो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी।